हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाई है, तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ। तो मैंने कैसे बनाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बेसन ले लिया है और बहुत ही थोड़ा सा बेसन लिया है और इसका अच्छे से मैं पेस्ट तैयार करूँगी और बिल्कुल थिक नहीं रखूँगी, बहुत ही पतला रखूँगी ताकि ये जो आलू हैं बॉयल किए हुए वो थोड़ा सा सिर्फ उसमें लिपट जाए और कुछ ज़्यादा नहीं। तो इधर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो मैंने बेसन इसलिए मैंने पतला रखा है ताकि सिर्फ उसका जो हल्का सा बेसन लग जाए उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसी वजह से मैंने पतला पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इधर ये हमारे बॉयल ये आलू हैं और मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था और बस थोड़ा सा हल्का सा बॉयल किया था, तो आप देख सकते हैं बस इतना पतला मैंने बेसन रखा हुआ है। और इसे एक एक करके हम इसे बेसन में डिप कर लेंगे आलू को और इसको फ्राई कर लेंगे। और मुझे हल्के हल्के इसे धीमी आँच में फ्राई करना है और बहुत ही टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट बनता है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही यमी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन द्वारा हमारी आने वाली न्यू रेसिपी आप तक पहुंच जाए। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी न्यू रेसिपी डालूँ ताकि आपने YouTube पे ना देखा हो, वो इसी वजह से मैं न्यू रेसिपी बनाती हूँ और डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी न्यू रेसिपी है, आप पूरा वॉच कीजिएगा और पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से आलू फ्राई किए हैं और बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी आ रही थी। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, देख सकते हैं। और इसे अब मैं फॉक से इसे अच्छे से होल कर लूँगी ताकि जो मैं ग्रेवी जो मैं बनाऊँगी वो इसमें चला जाए, तो खाने में और भी आलू टेस्ट बनेंगे। और बहुत गर्म था इस वजह से हाथों में लग रहा था गर्म गर्म, तो मैंने सभी आलू में होल कर लिए हैं। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जो तेल बचा हुआ था वही मैंने डाल दिया है, उसमें डाल दिया तेज पत्ता और खड़े मसाला। और इधर मैंने लिया है हींग और सौंफ है ये रोस्ट किया हुआ, और इसे मैंने अच्छे से दरदरा पीस लिया था, जीरा डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ और प्याज कटे हुए क्योंकि मुझे इसका पेस्ट तैयार करना है, और इसे अच्छे से भून लूँगी और मुझे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। और देख लीजिए आलू, तो मुझे ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। तो देख सकते हैं प्याज और लहसुन को मैंने ज़्यादा इसे भुना नहीं है, गोल्डन कलर है वो नहीं मुझे करना है। और इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, जैसा आप खाने में पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। और इसे मैं एक मिनट के लिए ढक दूँगी, तो आप देख सकते हैं जो टमाटर है अच्छे से घुल गया और इसे मैंने ठंडा कर लिया और इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो इधर मैंने भगोना रख दिया है और जो मेरा बचा हुआ तेल था वो भी मैंने डाल दिया है, और इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया इसको मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से भुन गया है। और इसमें डाल दूंगी हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला और इसे अच्छे से चलाऊँगी, और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं इसमें डालना है। आप देख सकते हैं इसमें चारों ओर तेल है वो ऊपर आ चुका है, और इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर भी अच्छा आ सके। और अब डाल दूंगी मैं मैगी मसाला,
क्योंकि इस मैगी मसाला डालने के बाद इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने का भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसमें डालूंगी आलू और इसे अच्छे से मैं डालूंगी और इसे मैं ज़्यादा चलाऊंगी नहीं ताकि आलू इसमें फटे ना। और इसमें डालूंगी पानी ग्रेवी के लिए, जैसा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। और इसे मैं ढक दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि रेसिपी हमारी तैयार है और बहुत ही टेस्टी यमी सब्जी बनी थी। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप एग खाना भूल जाएंगे। ये देखिए, आप इसका कलर देखिए और कितना यमी यमी लग रहा है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती ताकि इसकी जो खुशबू है और भी अच्छी आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी अच्छे से कीजिएगा। तो इसमें ऐड कर देती हूँ पनीर, से क्रश करके डाल दूँगी ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी यमी बना है। तो आप इसे रोटी चावल नान के साथ खा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको चावल के साथ दिखा सकती हूँ, दिखा रही हूँ कि कितना यमी लग रहा है। चावल के साथ बहुत ही यमी लगता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।